ইয়া অত্র তো উঁচু হো আচ্ছা আর অত্র বড় শির হো অত তি বড় জঠি আর ভাগ্য ঠুনি শর্ম তো ই ডোর ন খলি বিজ গো বেঠল সাইড ন খড়ি খলি যা ই কমাও নিকল ভাগ্য এক তো এক বঠন বেড ন খারিও বো মেরা সময় সময় আর তো মো বাই ভাগ রায়ো বি বেটরি কো চোর দিও চানন কো জরা বো ভাগ্য না উঠলো বি নিকল আর গন্ডকড়ো বি কোনি হো মো হো তো কোই না কোই খাই লালি হে কোই খাই বগেরিও হে কোই খাই বো নার হে আব মন নেই ধ্যান ভাই কি হো मैं दोनों आख्या देखे भाई मेरी देवरानी भी बैठन बाकदान देखे बोली मम्मी देखे बड़ो सारो बोली पच मेरे तो ओ गेल गेली आगन ओ आर्य बारे करो ये मम्मी सही खा गए सही खा इन मैं बच्चे दे बोचे मोरा तू डर जा ललित हो जाए तो तेरे पापा की श्रद्धा रात की पापा जी की श्रद्धा बनी रात को पेट दुखो अन बीमार चलता तो 2.5 साल होगा पर रात सोया कोई 4:30 बजे उठ अभी मशीन का इंतजार रखने या घूमने आकर हटे क्यों है और तुम उस लड़ाई को जाको नहीं करने चार चक्कर मारे ना गाड़ी हिस्से बैठी सुबह 4 बजे बाद में 6:30 उठी मम्मी मंजू वाली मेरी बाई पिपराली बोली मम्मी बोली बेला मैं तो मैं नहीं 6:30 7:45 उठा रू आज बस 6:30 उठे 7:45 बजे मैं जरा बस दो निकल भाई हाँ यार मैं गा को दूध काटवा मुको दूध ला जा लो जना जरा बस दो जानवर में तो देखा गंडगड़ा तो हा को हाथों जानवर अब कोई लाली हाग बगेरा हाग का हो देखो भी को मालिक मन नहीं राम राम सर मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हो सीकर संदेश। अभी मैं हूँ सीकर में गुंगारा के पास की एक छोटी सी ढाणी में अठे विद्याधर जी सुंडा को खेत है और ई खेत में काल रात ने एक बार फेर सू एक अज्ञात जानवर के द्वारा आखी भेड़ बकरियां को नुकसान करे गए है बन मार दी गई बामसू एक घायल भी है और 3-4 बामसू मर भी गई। आ घटना कोई नई नहीं है क्योंकि पिछला कुछ दिनों का मैं नापाइयाड़ की कई घटना देख चुका सीकर संदेश। पिछला 4-5 दिन सु अलग अलग गाँव के मैंने अलग अलग किसाना के अंजार इकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि 20-21 दिसंबर ने जो सिलसिलो शुरू हुई 2020 में वो अभी तक अनवरत जारी है। इन रोकबा का प्रयास प्रशासन के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कब तक कराया गया वह आपने सामने है। कटराथल में बेड़ा खाएगो जीकर छोटी में खाए गया अलग अलग जगह पर हमला कर रहा अलग अलग गाँव के मायने जानवर है जगह देखा जा रहा है अलग अलग CCTV फुटेज है वहाँ का पदचिन्ह है ऐसा सब टीम ने मिल रहा है लगातार दिया जा रहा है 2800 भी टीम है जखी पदचिन्ह है वहाँ का वहाँ की फोटो है जानवर खाया जी साफ सुर में सब फोटो ले गया है। लेकिन बी के बाद का मायन आ लोगा सु किसान परिवार सु कहीं बात हुई कोई मुआवजा देवा की बात हुई कि नहीं हुई वो आपा जाना एक किसान परिवार सुई कि आ कोई बारे में काई कहनो है। मैं तो बीमार हो तो मैं तो सुबह सो रहा हूँ घर का उठा ना घर का सामने आया एक तो फिर मेरा बच्चा भाग के आयो जना वो सामने बैठ दी थी कि लाइट दी जना भाग आग वो होगी मेरी 4 भेड़ा तो खत्म कर दी 5 दिन झूल रही है। के बाद में अड़े पुलिस वाला प्रशासन है पुलिस प्रशासन है फॉरेस्ट विभाग सरपंच सब आए और गांव के भी काफी लोग आए। उसके बाद में मतलब क्या बात हुई क्या उन्होंने कहा कोई वो अपने अपने रिपोर्टें बनाकर ले गए और चले गए। जानवर को पकड़ने के लिए कोई उन्होंने कोई टीम भेजी कोशिश करी कुछ? नहीं सब कुछ नहीं हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बता रहे हैं लाली है वो है और कुछ नहीं बस एक बार ग्रामवासियों ने तो जरूर कुछ दूर ढूंढने का प्रयास किया उनके साथ पुलिस भी गई फॉरेस्ट विभाग वाले तो कहीं नहीं गए। वही एक मैडम आई थी वह अपनी गाड़ी में बस 2-4 साइन लिखे 2-4 यहाँ परिजनों से करवाए 2-4 ग्रामवासियों से करवाए और कुछ नहीं किया बस लिखी वापस चले गए। और ग्रामवासी 2-3 इधर एक नला पड़ता उसमें उधर 2-3 खेत पड़े हुए हैं उसमें कई देर घूमकर देखने के लिए गए तो वहीं पर खोज ही मिले वो नहीं मिला। देखो अभी के मानो और ज़्यादा में कुछ ही कौन कर सका जो को नुकसान ही है वो नुकसान मारो ही है अभी की भरपाई में कर सका लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मानसा हो तो चाहिए कि अगर आगे भी अगर नुकसान हो रही है बी के मानो वन विभाग की टीम प्रशासन सब मिल के उन्होंने दबोचा जाए और माने निवारण मिलना चाहिए जल्दी जल्दी क्योंकि आज हमारी 4 या 5 बेटों को नुकसान करे आगे भी हमारे जगह गाय ढंडा जो भी जीव जंतु है वहाँ को सबको कर सके हालांकि जीव जंतुओं को नहीं बाकी ए मारो भी कर सके ही नुकसान इसके लिए मैं आपको जल्दी से जल्दी निवारण चाहवा
बाकी हो सके जल्दी में जल्दी माने अब के लिए भी जीवा के लिए भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मारे कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कि जीव बीमारी भी आर्थिक धंधो हमारो वो जीव जंतु और खेती ही है, इसलिए माँ जीवा से जल्दी निवारण चाहो। तो बापा जी देखिए कि भाई आपन बताया कि सुबह दो जानवर आपकी आंखें से सामने जाता देखा है, बयान भगाया है, आंखें भी सामने होगा जन आप भी मान सका कि काल ने उसके कोई मिन्नक को भी नुकसान कर दे। अभी तय तो भेड़ बकरियां पर है, अब दिक्कत होगी कि हर किसान परिवार के बन आपके जानवरों के लिए ढांडा के लिए बन अलग व्यवस्था करनी पड़ रही है, तब वहाँ के लिए खर्चों भी हो और एक नयो काम भी हुगो, बिकमाइन मेहनत भी लागे, बिकमाइन पिसो भी लागे, लेकिन पिसो किसाना को ही लाग रहे है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। आप जहाँ कटरा तल के माइन देखी कि बहुत सारा लोग लोकल जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य है और गांव का जगह लोग है, सरपंच है, वह सब आया, वह जब आर्थिक सहायता भी बाकी कर रहा है, लेकिन सिर्फ आर्थिक सहायता एक किसान की दो किसान की करनो ही सब कुछ को नहीं, जरूरी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बस जानवरन पकड़े ताकि किसाना ने वो मतलब आ हुआ कि ठीक है अब कोई दूसरा किसान के जानवर को नुकसान कौन करे, आपा सुकून से रह सका, क्योंकि गांव ढाणा के माइन लोगों का खेत दूर दूर हुए है, वहाँ का ढांडा भी हुए, वह खुद भी हुए, छोटो मोटो काम भी हुए, तो वह आपके घर से बाहर निकले खेती में दिन रात काम करे है, जब रात ने उसके के बाके भी आप पीड़ा लिखेड़ी हुए तो बाके भी नुकसान उसके सके, तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जत्ती जल्दी हुए आज जानवरन पकड़े और लोगन निश्चिंत करे कि अब बाके जानवर के ऊपर दोबारा इस तरीका का हमला न हुए।